रोहित रोहित अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे थे। अजीम यही वजह है ना, और इसीलिए कश्मीर के जो इक्का दुक्का अलगाववादी हैं उनकी आवाज और पाकिस्तान के सुर वो एक से नजर आते हैं। अच्छा थैंक यू वेरी मच। और बाकी काफी देर से मैं सुन रहा था और तमाम लोगों का सुना, और मैं तो जो कांग्रेस के हमारे यहाँ पर आई थिंक अतुल नाम है उनका, वो बैठे हैं, और जो कश्मीरी एक्टिविस्ट आपके यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि आप बार बार उनको ये ताना मार रहे थे कि आप पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, आप भी पाकिस्तान की बोलते हैं, आप भी पाकिस्तान की बोलते हैं। तो लोग पाकिस्तान की बोली इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान हक की बात करता है, पाकिस्तान अमन की बात करता है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात करता है, पाकिस्तान कश्मीरी राइट्स की बात करता है। इसीलिए सेकंड दहशतगर्दी का सहारा लेकर भोले भाले कश्मीर के लोगों को मारना, ये हक की बात है आपकी नजर में? नहीं नहीं, यूएन के अंदर देखिए मेरी बात सुने, यूएन के अंदर करारदाद मौजूद है, थ्री पार्टी इसके ऊपर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान उसके अंदर ऑलरेडी पार्टी है, आप उसको निकाल नहीं सकते। और दूसरी अहम चीज मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर जो कश्मीरी एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं उनकी आवाज और उनकी बात आपकी और मेरी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वहां पर रहते हैं और उन्होंने जो कहा वो सबको मालूम है। दूसरी एक अहम चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है या मोदी साहब को ये लगता है कि वो चंद सीटें, चार सीटें, सात सीटें देने से कश्मीरियों को वर्गला सकते हैं, तो मोदी साहब जैसे नहीं है कश्मीरी कि चंद सीटों की खातिर या हुकूमत की खातिर जो है वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे। वो कभी भी आपकी इस डिबेट के अंदर 370 और 35A के मामले के बगैर नहीं आएंगे। जब तक आप उनकी असल आईनी हैसियत को वापस नहीं करेंगे, कश्मीरी कभी आपके साथ नहीं बैठेंगे, कश्मीरी कभी अपने जमीन का सौदा नहीं कर सकते हैं जो आप लोग करकर यहाँ पर हुकूमत में बैठे हैं। दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर जो हालात अब ठीक है। अजीम अजीम मैं आता हूँ आपके पास, आपने आपने काफी बातें कह ली, वक्त हमारे पास कम है। एक अहम खबर ये आ रही है कि महबूबा मुफ्ती और सैफुद्दीन सोज को बीजेपी के जम्मू कश्मीर